गाइस मैं इस टाइम यमुनानगर की सबसे ब्यूटीफुल सी डेस्टिनेशन पे खड़ा हूँ, जहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं इस चीज के दर्शन करने के लिए। कहा जाता है कि जो केदारनाथ और बद्रीनाथ है, अगर आप वहां तक दर्शन नहीं कर सकते तो आप यहाँ पर दर्शन कर लेना, आपके दर्शन संपूर्ण हो जाएंगे और आपको इसका फल भी जरूर मिलेगा, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू है, देखिए ये यमुनानगर में पड़ता है। और कौन सी डेस्टिनेशन है, कैसे आ सकते हो, कहाँ पर ये जगह पड़ती है, कंप्लीट आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को जरूर देखें, आपको बहुत ही खूबसूरत सा नजारा देखने को मिलने वाला है। और यमुनानगर में आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप सब जरूर आओगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज मैं यमुनानगर की सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन, सबसे ब्यूटीफुल जगह पर, जिसका नाम है आदि बद्री। और आदि बद्री की अपने आप में एक बहुत बड़ी महानता है, जैसे कि आप सबको पता ही है, दूर दूर से लोग यहाँ पे आदि बद्री भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। और आपको ये बता दूं कि जो केदारनाथ के पास आदि बद्री जो बद्रीनाथ मंदिर पड़ता है, ये उसी का दूसरा रूप है। अगर आप वहाँ पे दर्शन नहीं कर सकते, अगर आप यहाँ पे आकर दर्शन करते हैं तो आपके दर्शन सफल हो जाते हैं। तो इसकी इतनी ज्यादा महानता है। और भी यहाँ पे बहुत सी ऐतिहासिक चीजें हैं जिनके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में कंप्लीट। ऊपर मंत्रा देवी का मंदिर भी है, ऊपर भी जाके आपको दर्शन दिखाऊंगा, मंत्रा देवी के दर्शन कराऊंगा प्रॉपर कि कैसा मंदिर है माता जी का। और ऊपर से व्यू भी बहुत अच्छा था यमुनानगर का भी और पहाड़ों का भी, तो ऊपर जाके कंप्लीट आपको दिखाऊंगा। और नीचे भी लेके चलता हूँ जहाँ पे सरस्वती नदी निकल रही है। इस जगह को सरस्वती नदी का उद्गम स्थल भी बताया जाता है। बहुत ही प्राचीन, बहुत ही पौराणिक जगह है ये। और मैं काफ़ी टाइम से वीडियो भी नहीं बना पा रहा, जैसे कि आपको बताया मेरा 10 दिन का चैलेंज भी चल रहा था। अभी मेरा 10वां जो चैलेंज हो रहता है, सिर्फ 9 चैलेंज मैंने पूरे कर लिए हैं। और आपको मैं 10वां चैलेंज यहाँ पे पूरा करके दिखाऊंगा और कंप्लीट इसका व्यू दिखाऊंगा आदि बद्री का कि कैसा है और यहाँ पे आप कैसे आ सकते हो। तो चलते हैं ऊपर मंत्र देवी के और पूरा व्यू आपको दिखाते हैं। चलिए बंद रहे। तो गाइस ऊपर जा रहे हैं हम अभी। ये सीढ़ियां हैं, कुछ कितनी सीढ़ियां होंगी, 150 से 200 सीढ़ियां होंगी ऊपर आदि बद्री चढ़ने के लिए। नीचे पार्किंग बाइक भी लग रही है, तो नीचे पार्किंग में बाइक लगा देना अपनी, प्रसाद ले सकते हो 100-150 रुपए तक का, और सस्ता भी है 50 का। तो अभी ऊपर जा रहे हैं हम, ज्यादा लंबा नहीं है ये जारी सीढ़ियां। और ऊपर माता का मंदिर भी, ऊपर भी लेके चलूंगा आपको, अभी पूरा आदि बद्री का व्यू आपको दिखा दूंगा मैं। ये आगे मंदिर, ये है सीढ़ियां, नीचे से आए हम। देखिए ये है श्री आदि बद्री नारायण का मंदिर, गणेश जी की यहाँ पे फोटो बनाई भी है ऊपर, ये रहा मंदिर। और यहाँ का व्यू देखो कितना बढ़िया है, आप उधर भी बाइक खड़ी कर सकते हो, वहां से भी आ सकते हो। दिन तो संडा शायद भंडारा हो सकता है, अंदर चलते हैं। तो गाइस ये आदि बद्री नारायण का मंदिर, ये देखिए पीछे ये मंदिर है, मंदिर भी घूम रहे हैं यहाँ पे, और नीचे फर्श भी अच्छा है। और ये बाबा जी का कमरा भी यहाँ पे, बाबा जी बैठते हैं अंदर। तो अभी मंदिर के अंदर लेके चलता हूँ आज। बंदरों ने परेशान कर दिया। नहीं तो छीन गया था अभी बंदर ने। देखिए दोस्तों वहां पे आदि बद्री के दर्शन करने के बाद अब यहाँ से आ जाइएगा, यहाँ से ऊपर माता के जाने के लिए आपको यहाँ से निकलना पड़ता है। तो पूरा व्यू आपको दिखाऊंगा, नीचे पहले हम आके जूते पर डाल लेते हैं अपने शूज। और
यहाँ पे केदार बाबा का मंदिर भी है, बहुत ही मशहूर। नीचे केदार बाबा का मंदिर है और सामने वहां से रास्ता निकलता है, तो वहां भी आपको लेके चलूंगा। पहले हम माता जी के ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर मंदिर है, क्योंकि ऊपर चढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो पहले ऊपर चढ़ता हूँ लेकर। शूज डाल लेते हैं पहले, तो शूज डालिए। अब मैं आपको नीचे लेकर चलता हूँ, फिर हम ऊपर चलेंगे दर्शन करने के लिए। नीचे जाने का रास्ता यही है। चलिए दोस्तों, ये सीढ़ियां जा रही है नीचे, नीचे चलते हैं अब। नीचे से फिर ऊपर ऊपर जाएंगे, पहले नीचे जाएंगे फिर ऊपर जाएंगे। तो ये सीढ़ियां जा रही है, यहाँ से आए हम। देखिए यहाँ पे कुछ कमरे बनाए रहने के लिए, आने वाले टाइम में यहाँ पे होटल वगैरह बन जाएंगे मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि ये जगह बहुत खूबसूरत है यार। और थोड़े टाइम से मेरी तबीयत भी थोड़ी डाउन चल रही है, जिस वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा तबीयत की वजह से। ये नंदी महाराज भी आ गए, चलो नीचे चलते हैं। देखिए दोस्तों पहुंच गए नीचे, देखिए यह सरस्वती नदी, ज्यादा पानी नहीं है, पानी कम है यहाँ पे। और आपको बता दूं कि हरियाणा सरकार और हिमाचल सरकार के बीच में एक संधि हुई है, एक टीम बैठी है जिसमें इस सरस्वती नदी के बारे में बात हुई है, और इसको अच्छे से बनाएंगे, अब इसका अच्छे से इसको निकालेंगे यहाँ से, सरस्वती नदी को पूरा, इसका उद्गम स्थल को अच्छे से बनाएंगे और यहाँ पे अच्छा सा, हाँ इसका मतलब पानी को और भी अच्छी तरह बहाव देंगे। पहले रोक दिया ना पीछे से, अब इसको और बहाव देंगे। ताजा पानी है? हाँ ताजा है भाई, एकदम साफ है, मछलियां भी तैर रही थी, बहता पानी भी है ना। और तो गाइस ये देखिए, ज्यादा पानी नहीं है, आराम से इजीली पार कर सकते हो आप। और यहाँ बैठ के थोड़ा सा पानी देखते हैं पहले। जय सरस्वती माँ, जय हो। पानी बहुत ज्यादा ठंडा है, ऐसा नहीं है, बहुत ठंडा और बहुत साफ पानी है। अंदर की एक एक बजरी दिख रही है हमें, मछलियां भी तैर रही है इसके अंदर। तो ये वहां से आ रही है नदी, पूरा अंदर से आ रही है, हिमाचल लग गया, मतलब इसके बाद से हिमाचल शुरू हो जाता है बस। हाँ बाढ़ भी आ जाती है कहीं, बारिश में बहुत ज्यादा होना। तो ये पानी देखिए, लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, और यहाँ पे ये गधे भी आगे देख रहे हैं, जैसे आपने केदारनाथ में देखा होगा ना, गधे को लेके चढ़ते हैं ऊपर माता के ऊपर, भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, माता के ऊपर दर्शन करने के लिए। ये माता जी के ऊपर ये गधे लेके जा रहे हैं, समांड हो गए ऊपर दर्शन करने के लिए। रास्ता आप खुद रास्ता देख सकते हो, अपने अपने खुद ही देख सकते हो कितना कच्चा सा रास्ता है यहाँ पे, बहुत कच्चा सा रास्ता है, इधर उधर बहुत संभल के चलना पड़ेगा हमें ऊपर, पर ऊपर जाके व्यू बहुत अच्छा देखने को मिलेगा आपको। जागो रे देखो रे दुनिया ए देखो रे, तो गाइस ये हम ऊपर आ गए, देखिए यहाँ से आए हैं दोस्तों, और ये ऊपर घड़े घोड़े लेके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से भी रास्ता है और एक रास्ता यहाँ से भी है, ये द्वार बना हुआ है देखो माता का, तो यहाँ से भी आप जा सकते हो माता के द्वार से, यहाँ से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नीचे पहले थोड़ा रास्ता कच्चा है, उसके बाद ही सीढ़ियाँ शुरू हो जाती हैं, यहाँ से आपको प्रॉपर माता के मंदिर तक सीढ़ियाँ मिलेगी। और एक ये रास्ता है, बाइक लेके भी आ सकते हो आप, अगर बाइक पर आते हो नहीं ऑफ से चढ़ जाता तो ये रास्ता बाइक वाला है। ये देखिए ये द्वार बनाया हुआ है, यहाँ से भी सीढ़ियों से आ सकते हो, वहाँ से भी आ सकते हो, और ये रास्ता नीचे भी जा रहा है नदी के पास। और यहाँ का व्यू देखिए, ये देखिए ज़्यादा लंबा क्या काटेंगे, यहीं से काफ़ी चल जाते हैं। ओ भाई तो यह है व्यू, पर गाइस आज सबसे मैं स्पेशली कहना चाहूँगा भाई, अगर यहाँ पे आते हो तो खाने पीने की चीज़ अपने साथ लेके आए, पानी की बोतल लेके आए, बहुत भूख लग रही है, बहुत प्यास लग रही है, पर हम लेके नहीं आए, गलती कर दी है। और यहाँ पर रास्ते में कुछ नहीं मिलने वाला, ऊपर ही मिलेगा पानी वगैरह। चीड़ का पेड़ है दोस्तों, चीड़ का, और ये चीड़ का पेड़ सिर्फ पहाड़ों में ही होता है, बड़े बड़े से जहाँ ऊंचे जब हम बढ़ते रहते हैं ऊंचाई की तरफ पहाड़ों की तरफ, तो ये चीड़ के पेड़ आपको देखने को मिलते हैं। इसमें फल भी लगता है, उसको घर में सजा सकते हैं, ऊपर लग रहे हैं, अगर मुझे मिलेगा तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। पर बहुत ही बढ़िया ब्यूटीफुल जगह यार, ये चीज देखने के लोग दूर दूर जाते हैं।
बड़ी जल्दी आग लग जाती है इन पेड़ों के अंदर। ठंडे भी होते हैं पर आग भी बहुत जल्दी पकड़ लेता है ये पेड़। इसका फल अगर मुझे मिलेगा ना तो मैं आपको दिखाऊंगा इसका फल। घर में से जा सकते हो आप फिलहाल। जैसा कर्म तेरा वैसी। तो देखिए गाइस ऊपर जाके यहाँ का व्यू देख सकते हो बहुत बढ़िया। ये ऊपर चढ़ के ये इन्होंने बैठने का बनाया हुआ है और सामने पहाड़ देखिए आद बद्री हिमाचल प्रदेश नाहन हरिपुर धार पोंटा साहिब रेणुका जी सबके पहाड़ यहाँ से दिख रहे हैं। और थोड़ी दूर रह गया यहाँ से मंदिर थोड़ा ऊपर है बस। तो दोस्तों ऊपर चढ़े हैं हम थोड़ा सा। माता का मंदिर थोड़ी कुछ और दूरी पे है। ये करीब 700-800 सीढ़ियां होंगी और करीब 1.5 किलोमीटर का रास्ता तो होगा यार, ज्यादा ही होगा बल्कि कम तो नहीं होगा। अभी थोड़ा और ऊपर है पर पहले ये आप ये फैसिलिटी देखिए। यहाँ से आपको पूरा अपना यमुना नगर शहर नजर आएगा। वो देखिए सामने कोहरा सा लग रहा है इसके लिए नजर नहीं आ रहा अच्छे से। बाकी नीचे का व्यू देखिए एक बार पास आके मैं आपको नीचे का व्यू दिखाता हूँ। देखिए सरस्वती नदी भी दिख रही है और वो आदि बद्री का मंदिर भी दिख रहा है। वो होटल भी दिख रहा है, कुछ होटल टाइप बन रहा है अभी। यहाँ से शुरुआत हो रही है इसकी, बनने वाला है कंप्लीट। यहाँ से व्यू नजर आ रहा है उधर की तरफ। आप मेरे एक पीक देख सकते हो पहाड़ी। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सी पहाड़ी नजर आ रही है ऊपर। देखिए कौन सी वाली इतनी ब्यूटीफुल सी है। तो बहुत अच्छा यार ये प्लेस है, आप यहाँ पे घूम सकते हो। हिमाचल भी यहाँ से शुरू हो जाता है। अभी यमुनानगर है, यमुनानगर में टच होता है, यहाँ से हिमाचल शुरू है, सीमा पड़ जाती है। और इसकी जो फैसिलिटी तो बहुत सुंदर बना दी। आप देखते आ रहे हो मेरी वीडियो, बहुत अच्छा लग रहा है यार। तो जाहिर है थोड़ा सा और ऊपर आ गया। तो कंप्लीट मेरा 10वां चैलेंज है आज। तो 10वीं डेस्टिनेशन है यमुनानगर की, सबसे ब्यूटीफुल है। आप इसको बहुत प्यार देना जैसे कि आपने और वीडियो को दिया। अभी फेस्टिवल और तबियत खराब करके मैं बीच में अपडेट नहीं दे पा रहा था, पर आप देखिएगा इसको। तो फिलहाल अब इस वीडियो के बाद मैं थोड़ा आसपास की डेस्टिनेशन कवर करूंगा, जैसे यमुनानगर से अपना 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर के जैसे जो ब्यूटीफुल जगह उनको कवर करूंगा। तो आपको वो सब देखने को मिलेगा, जैसे ऋषिकेश हरिद्वार तो आसपास की जगह है रेणुका जी, तो उन सबको मैं कवर करने वाला हूँ। तो आई होप कि आप बहुत साथ देंगे, बहुत प्यार देंगे। तो फिलहाल आप ये व्यू देखिए और ऊपर जाके आपको माता का मंदिर भी दिखाते हैं। चेले का चेला है जिन पे ना देला है, मौज मजे सीना जोरी की गुद्दारी की दुनिया ये देखो रे, दुनिया ये देखो रे, दुनिया ये। तो देखिए गाइस घोड़े वाला हमसे पहले पहुंच गया है। कहाँ से आया आप, गुप्त रास्ता है क्या? ये देखिए बाथरूम बने हुए कंप्लीट यहाँ पे। आप एक दिन के लिए विश्राम भी कर सकते हो यहाँ पे, बात कर लेना इनसे। कमरा बनाया, बाथरूम बनाया, हाथ धोने का बनाया, वॉश बेसिन, ऊपर बैठने का बनाया, बोर्ड लगा रहा कंप्लीट। कंप्लीट मंत्र देवी के बारे में बताया गया। ये सीढ़ियाँ जा रही हैं और सब पहुँच गए हम। तो गाइस देखिए यहाँ भी बैठ सकते हो आप, ये बैठने का है। यहाँ से हम आए हैं और ये है व्यू। यहाँ भंडारा वगैरह भी तैयार किया जाता है। तो यह रास्ता ऊपर जाने का, यह है ऊपर माता का मंदिर। बंदर बहुत है, अगर हमला करेंगे तो मैं फोन जेब में पालूंगा भाई साहब। तो गाइस हमने माता के दर्शन कर लिए हैं। ये देखिए यहाँ से माता के दर्शन कर लिए हमने। बंदर बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, तो खाने पीने की चीज छुपा के रखें। पानी पीने की पूरी फैसिलिटी आपको यहाँ मिलेगी, थोड़ी देर विश्राम कर सकते हैं। और परे से रास्ता है नीचे जाने का, तो कंप्लीट आपको दिखा दूंगा मैं जाते जाते। पर बंदर बहुत ज्यादा, इसलिए डरना पड़ रहा है यार। तो पानी पीते हैं पहले थोड़ा सा, फिर आगे जाके दिखाता हूँ आपको ये। तो गाइस देखिए हम यहाँ से आए हैं, ये मंदिर है माता का। प्रसाद की दुकान भी ऊपर है। कुछ लोगों को लगता है कि नीचे से प्रसाद लेके आते हैं और बंदर उनके प्रसाद खोस लेते हैं, तो ऊपर प्रसाद की दुकान है स्पेशल। ये देखिए प्रसाद की दुकान है, कोल्ड ड्रिंक की दुकान है, नमकीन चिप्स की दुकान है। आप यहाँ पे आके आराम से बैठ सकते हैं। तो ऊपर ये आंटी जी देखते हैं, देखिए आंटी की दुकान है। पास जाके थोड़ा दिखाता हूँ मैं, बंदर परेशान कर रहे हैं। पर ये देखिए ये आंटी की दुकान है प्रसाद की, यहाँ पे ये माता का मंदिर है। तो ऊपर आके भी आप प्रसाद ले सकते हैं। तो अब हम उस रास्ते से आए थे और हम इस रास्ते से जाएंगे नीचे। ये देखिए यहाँ शिव शक्ति का मंदिर भी है। ये टंकी है पानी की और शिव शक्ति का मंदिर भी है। कितना खूबसूरत सा फूल है, लग रहा गुलाबी सा ऊपर लग रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे फूल इसमें गुलाबी रंग का। तो बेल भी लग रहा है। यहाँ के व्यू देखिए गाइस, यमुनानगर पूरा यमुनानगर नजर आ रहा है। बारिश हो रही है पूरा पहाड़ देखिए, पहाड़ी पहाड़
ओए होए।